हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बड़े होंगे दोस्तों, और मैं आ गया नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, ये होने वाली है मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो कि आप लोग जापान में गाड़ी खरीदने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है और किस तरह पार्किंग ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास पार्किंग होगी तो उसी के बाद आप गाड़ी ले सकते हो। गाड़ी लेने से पहले जो जो प्रोसेस होता है वो सब आपको मैं स्टेप वाइज बताऊँगा। अभी फर्स्ट तो होता है कि अपना जो, जैसे हमने कहीं से रेंट पर रूम लिया हुआ है तो उसका जो ओनर है या फिर उनके खुदोसा होते हैं, खुदोसा मीन्स जो रेंट पर देते हैं, तो अभी वहाँ जाके उनसे पेपर लेके, जो मेरा पार्किंग का है, जो मेरे पार्किंग, मैंने पार्किंग चूज़ किया है कि यार पार्किंग मेरे को चाहिए, तो उसका पेपर होता है, उसमें पूरा साइज़ वगैरह लिखा हुआ होता है। तो अभी वहाँ जाके उनसे पूछ के, तो फिर क्या बोलते हैं, उनसे पेपर लेते हैं, और पेपर लेने के बाद फिर हम खिसक छोड़ जाएंगे पुलिस स्टेशन में, जहाँ वो पेपर वगैरह जमा करना पड़ता है, अपना पार्किंग का पेपर जमा करना पड़ेगा। और एक होता है इनकन्फर्मेशन, जो आपकी हंको होती है। हंको मीन्स जैसे इंडिया में शाइन वगैरह चलता है, तो यहाँ हंको होती है एक अपनी खुद की, वो मैं दिखा दूंगा आपको अपनी हंको। जैसे एक तरह से मोर बोला जाता है इंडिया में, मोर होती है मारने वाली, ऐसी सबकी अपनी अपनी पर्सनल मोर होती है। अभी हम चलते हैं, बाकी मुझे अपनी इनकम शो में जो है वो वहाँ जमा करनी है, पार्किंग का पेपर होता है जो वो जमा करना है। तो अभी बगल में फुदोसा है, चलते हैं वहाँ। तो दोस्तों, जो मेरे रेस्टोरेंट के बगल में फुदोसा का ऑफिस है, वहाँ चलते हैं और मैं पेपर लेता हूँ। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, ये फुदोसा का ऑफिस है, और अंदर चलते हैं और पेपर लेते हैं इनसे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पेपर ले लिया है, साको शोमिसो ले लिया है, पेपर को साको शोमिसो बोला जाता है। ये मैंने 3000 पे करे हैं उसके। ये हमारा साको शोमिसो जो मैंने अपने पुलिस स्टेशन में जमा करना है, और ये मेरा पार्किंग का है, मेरी 16 नंबर पार्किंग है, और ये पूरे मेरे घर का मैप है, तो ये मेरा घर का एड्रेस है और यही मेरी पार्किंग है। तो दोस्तों, फाइनली मैं खिसक चौक पहुंच चुका हूं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं कोवान से आ चुका हूँ, जहाँ मैं खिसक चौक में गया था पुलिस स्टेशन में अपना वो देने के लिए पार्किंग का। तो वो देखे आ चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपको वहाँ आपके लिए क्या क्या पेपर चाहिए। एक होता है आपका शाकिन शो मीन्स होता है कि जो भी आपका गाड़ी का, आपकी गाड़ी में अगर शाकिन है तभी आप गाड़ी रोड पे चला सकते। उसमें ये होता है, शाकिन में आपका पूरी गाड़ी पहले चेक होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो शाकिन शो फिर ओके होता है, उसकी स्टैंप होती है, आगे गाड़ी का स्टिकर होता है, वो गाड़ी में स्टिकर लगता है। तो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा दूंगा शाकिन शो का स्टिकर जब मेरी गाड़ी आएगी। और अपना उसके बाद चाहिए होता है अपना इनकम शोमिशो, जो आपकी हंको होती है। हंको मीन्स जो आपकी मोर होती है। जापान में क्या है, आपको हंको चलती है, शाइन नहीं, शाइन भी चलता है, पर मोस्टली आपके पास अपनी अपनी हंको होती है। आप कहीं भी पेपर वर्क कर रहे हो तो उसके लिए आपको हंको चाहिए ही चाहिए। तो मैं पहले से अपना, जो मेरा सिटी हॉल है, वहाँ से मैं अपना इनकम शोमिशो निकाल के आ चुका था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकम शोमिशो है, कुछ इस तरह होता है इनकम शोमिशो। और उसके बाद ये होता है, सब लोग अपने फुदोसा से रूम लिया है, फुदोसा मीन्स जो रेंट पे रूम देते हैं, तो वो आपको एक पेपर देते हैं, उससे आपको मतलब ये कि वो आपको खिसक चौक में लेके जाना है। खिसक चौक आपको दोबारा बता देता हूँ, वो जो आपका पुलिस स्टेशन होता है बड़ा वाला, जहाँ पेपर वर्क होता है पूरा, फुदोसा से जो आपको पेपर मिलेगा वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें आपकी सब चीज़ दिया हुआ होता है कि घर किसके नाम पे है, पार्किंग यहाँ पे है, एक टू जेड सबको लिखा हुआ होता है। और मेरे को स्टार्टिंग में 3000 रुपये पड़े थे, जो मेरा फुदोसा है उससे हर जगह का अलग अलग है। मैं जिस सिटी में मैं रहता हूँ उसका रेट ये है, उसकी रसीद जैसे इस तरह से है। ये मेरे घर का पूरा मैप है, तो मैप में पूरा दे रखा है कि कहाँ पे पार्किंग है, और उस हिसाब से ये शाकिंग शो। इसमें क्या है, इसमें आपका गाड़ी का जो साइज़ होता है पूरा सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो पार्किंग का जो पेपर होता है, जो आपको पार्किंग से पेपर मिलेगा, तो उसमें भी पूरा साइज़ वगैरह लिखा हुआ होता है। तो जब साइज़ मैच करेंगे, साइज़ की गाड़ी आ रही है, मतलब फिट इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अगर फिट आ रही है तो फिर उसको अप्लाई करेंगे। ये कुछ तरह से होता है, जैसे ये मेरी गाड़ी का नाम लिखा हुआ है जीप, और ये उसका नंबर लिखा हुआ है, ये उसमें उसका साइज़ लिखा होता है, ये मतलब लंबाई चौड़ाई सब कुछ लिखा होता है, ओमूसाई कितने किलो की है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये कंपनी का नाम है जहाँ से मैं लेके आया हूँ, और जो उसकी स्टैम्प होगी वो स्टैम्प आपको गाड़ी में दिखा दूंगा मैं, गाड़ी के फ्रंट पे लगेगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने फॉर्म वगैरह सब कुछ वहाँ जमा कर दिया है, और जो वहाँ का चार्जेस होते हैं वो मेरे को लगे हैं 2750 यहाँ जैपनीज करेंसी में। पे करने के बाद आपको वहाँ से एक चिट मिलेगी, जैसे मेरे को मिली है, और वो पेपर जो होता है आपको पुलिस स्टेशन से तुरंत नहीं मिलेगा, उसका मिनिमम एक हफ्ता लगता है। तो एक हफ्ते बाद जो मैंने फॉर्म फिल करा है वो मुझे मिलेगा, उस पर एक स्टैम्प जैसी मिलेगी, वो मेरे को उन्योक्यू होता है। उन्योक्यू मीन्स जैसे इंडिया में RTO ऑफिस होते हैं वैसे ही होता है, जहाँ नंबर प्लेट वगैरह नाम पर गाड़ी चेंज होती है। और अभी देखते हैं, अभी मैंने हॉकिन भी कराना है, इंश्योरेंस भी कराना है गाड़ी का, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं गाड़ी का इंश्योरेंस भी करा दूँ। और जैसे इंश्योरेंस का प्रोसेस होता है मैं आपको बताऊँगा जापान में किस तरह के इंश्योरेंस होते हैं। फाइनली मैं
अब मैं गाड़ी में ऑफिन डालने के लिए पहुँच चुका हूँ। तो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है वो भी डालेंगे, और आज मौसम भी ख़राब है, थोड़ा बर्फबारी हो रही है इधर। ये संपो नाम से है, और अंदर चलते हैं हम, देखते हैं अपना। आई थिंक गाइस वो शो दिस ने, जैसे ये हॉकिन है, अगर आपकी गाड़ी सामने वाले से टकराती है तो सामने वाले का जो हॉकिन होगा वो आपको मिलेगा, और आपकी गाड़ी अगर उसे टकराती है तो आपका जो हॉकिन होगा वहाँ यूज होगा। सपोज आप जितने आप पैसेंजर बैठे हुए हो, चोट वगैरह लगती है तो उनको भी पे होगा। ये दो टाइप के हॉकिन है, और तीसरा है अपने कार का हॉकिन। सपोज मतलब खुद से कहीं लग जाती है पोल वगैरह किसी पे, तो उसका जो करना है उसका आएगा कम से कम 3-5 हज़ार समथिंग। तो हम तो ये वाला कराएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं, मैंने अपना हॉकिन करा लिया है। तो दोस्तों मैं भी इधर आया था रेस्टोरेंट में, यहाँ देखा मैंने कि बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह व्यू है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली एक हफ्ता हो चुका है, और मैं आज उन्होंने मेरे को बांगो दिया था, ये मैं पेपर यहाँ जमा करके और पेपर लूँगा, और फिर उसके बाद मैं अपना UKO होता है RTO ऑफिस, वहाँ मैं जाऊँगा और अपना गाड़ी का नंबर लगवाऊँगा। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ, बाकी उनसे पेपर लेके फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। दोस्तों यहाँ टोकन लेना पड़ता है, टोकन मैंने ले लिया है, 2 नंबर है मेरा। तो दोस्तों फाइनली मैं वहाँ से पेपर लेके आ चुका हूँ, कोबान से जो पुलिस स्टेशन था जहाँ मैं गया था, तो वहाँ से मैं पेपर लेके आ चुका हूँ। तो ये पेपर मेरे को अब लेके जाना है RTO ऑफिस में, वहाँ फिर मेरे को जमा करना है, फिर वहाँ से मेरे को नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ अपना RTO ऑफिस है घर के पास। तो दोस्तों जैसे कि उन्होंने यहाँ औजार रखे हुए होते हैं नंबर प्लेट के लिए, जैसे कि अभी नंबर प्लेट लगा रही है अपनी। अब ये वहाँ का होगा ना, फिर यहाँ का लग रहा है, अच्छी होगा। तो दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये गाड़ी देख रहे होंगे, इसमें शाकिन नहीं लगे हुए हैं। जो शाकिन लगाते हैं, जो पूरा गाड़ी मतलब ओके बोलते हैं, गाड़ी चलने के लिए रेडी है, तो ये मतलब एक हफ्ते के लिए आपको अभी बांगो दे देते हैं, एक हफ्ते या एक दिन के लिए गाड़ी आप वहाँ से लेकर वहाँ तक चला सकते हो, उतने बीच में आपको काम उठा सकते हो, अपना नंबर लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको ये दिया जाएगा। तो यहाँ पर सब अपने नंबर प्लेट लगा रहे हैं, जैसे कि वो भी नंबर प्लेट लगा रही है अपनी, और हमने भी इधर नंबर प्लेट लगा दी है अभी, आगे पीछे दोनों जगह यहाँ पर गए थे अंदर। तो अभी इसको देखने वाला आएगा, जैसे वो देख रहा है ना, वो पूरा चेक करेगा, और अभी हमारी गाड़ी भी चेक करेगा, जैसे आगे चेक करने के लिए। अभी इस गाड़ी में एक नंबर होता है, वो नंबर देखेगा कि कहाँ पे है, पीछे अपने स्टैंप लगाएगा। अभी वो खगुनी चेक कर रहा है, अब उसने स्टैंप लगा दी, अब ओके हो गया, अब वो साकिन शॉट दे देगा। तो दोस्तों फाइनली ये चीवा का नंबर लग चुका है अब। तो दोस्तों फाइनली मैंने सब कुछ, गाड़ी का काम हो चुका है, और नंबर वंबर भी मैंने लगा दिया है, ये नंबर है टेम्परेरी नंबर है, और जो गाड़ी का शाकिन होता है मेन, जो मैंने गाड़ी ली थी वो किशोर के नाम पे था, तो मैंने गाड़ी अपने नाम पे करा दी है, तो मेरे को ऐसे शाकिन शो मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने अपना मनपसंद नंबर, कुछ VIP नंबर होता है, तो मैंने VIP नंबर भी अपना अप्लाई करा है, तो उसका मुझे एक हफ्ते बाद पता लगेगा, ये उसका रसीद है, और ये नंबर मेरे को लेके आना है। तो दोस्तों एक तरह से बिट होती है ये, अब मेरा लकी नंबर अगर लग गया तो मुझे अगले हफ्ते पता लग जाएगा, तो मुझे फिर आना पड़ेगा, फिर अपना लकी नंबर लगवाना पड़ेगा। और बाकी जहाँ की नंबर प्लेट्स होती है उनमें डिजाइन्स भी होते हैं, सबके अलग अलग प्राइस होता है, 4,000-8,000। VIP नंबर काफी सस्ता है यहाँ, इतना महंगा तो नहीं है, पर मैं लगाऊंगा और मैं उसका एक ब्लॉग बनाऊंगा VIP नंबर का। दोस्तों ये प्रोसेस था, तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।